हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स। और मेरा नाम है पंकज, मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे। इस एपिसोड में हम चालू करने वाले हैं अपनी जर्नी ईस्टर्न कोस्टल राइड की, जो चालू होने वाली है चेन्नई से और ख़त्म होगी त्रिवेंद्रम तक। तो 12 दिन के इस सफर में मैं जाऊँगा पूरे ईस्टर्न कोस्टल रोड पर ही ड्राइव करूँगा चेन्नई से त्रिवेंद्रम तक, और इसके बीच में आने वाले सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, और आइए आप भी घूमिए मेरे साथ ये ईस्टर्न कोस्टल राइड। किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है पैकिंग का, तो सारा सामान मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। बाइक ट्रिप की पैकिंग करते समय ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि इन दो छोटे सैडल्स बैग में सारा जरूरी सामान आसानी से फिट हो जाए और कुछ भी जरूरी सामान पीछे ना रह जाए। तो 12 दिन के इस टूर के लिए मैंने ली है अपने साथ 3 जीन्स, 10 मेरी टी शर्ट, मेरा राइडिंग जैकेट, हेलमेट, ग्लासेस और कॉस्मेटिक का सामान, कुछ मेडिसिन, बंजी कॉर्ड्स, और इसके अलावा मेरे राइडिंग ग्लव्स, मेरे नी पैड्स, वीडियो बनाने के लिए GoPro, उसकी बैटरीज और कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स और गोरिल्ला ट्राइपॉड भी। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है कंप्लीट और मैंने सारा सामान अपना कर दिया है अच्छी तरह से पैक। तो मैं पहुंच गया हूं बीकानेर रेलवे स्टेशन के इस पार्सल ऑफिस में, और स्टेप नंबर 2 है मेरी बाइक्स को यहां से चेन्नई पहुंचाने तक का। तो मैं इस पार्सल ऑफिस में यहां का अपनी गाड़ी को कर दूंगा अच्छी तरह से पैक, और इंडियन रेलवे की पार्सल सर्विस के थ्रू अपनी बाइक्स को भेज दूंगा चेन्नई या ट्रेन से। तो ये हो रही है मेरी गाड़ी यहाँ अच्छे से पैक, और आज है संडे 20 फरवरी, और आज ही मैं अपनी गाड़ी यहाँ से कर दूंगा लोड, ताकि आज संडे को जब गाड़ी निकलेगी तो चेन्नई पहुँच जाएगी ट्यूजडे तक। मैं जाऊंगा कल रात को यहाँ से दिल्ली, मंडे की रात को जाऊंगा बीकानेर से दिल्ली, और फिर दिल्ली से फ्लाइट से ट्यूसडे को ही पहुंच जाऊंगा चेन्नई करीब करीब बाइक के पहुंचने के समय से 2 घंटे बाद। और अगर आप भी चाहें अपनी बाइक को आसानी से भेज सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने से कहीं भी इंडियन रेलवे पार्सल सर्विस के थ्रू। बीकानेर से चेन्नई की दूरी करीब 2700 किलोमीटर की है, और बीकानेर से चेन्नई मेरा बाइक भेजने का फेयर लगा करीब 3000 रुपये, और पैकिंग चार्जेस लगे करीब 400 रुपये। तो ये हो गई मेरी बाइक अच्छे से पैक और बुक, और ट्रेन में हो गई है लोड, और अब मुझे मिलेगी सीधा ये चेन्नई में। तो आज है मंडे और मैं पहुंच गया हूँ बीकानेर के रेलवे स्टेशन पे, और कल संडे को मैंने बाइक यहाँ से लोड करके भेज दी थी चेन्नई। मैं यहाँ से जाऊँगा बीकानेर से दिल्ली, और दिल्ली से सुबह पकड़ूंगा कल चेन्नई के लिए फ्लाइट। हम चले थे कल रात को करीब 10:30 बजे बीकानेर से, और अभी समय हो रहा है सुबह के 5:30, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली का ये एरिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। एयरपोर्ट के पास में बसा ये एरो सिटी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, और ये एरिया आपको दिखेगा बिल्कुल क्लीन और ग्रीन। तो अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, और शायद डिपार्चर्स के लिए जाना है यहाँ से ऊपर। यहाँ पहुंचते ही मुझे कुछ अलग सी ही खुशी होने लग जाती है। दिल्ली से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट इस टर्मिनल 3 से ही जाती है, और आज हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट चेन्नई के लिए भी इसी टर्मिनल 3 से जाएगी। तो पहुंच गए हैं हम अब ITI टर्मिनल 3 पे। तो कर लिया है हमने अब चेक इन, और मिल गया है हमको बोर्डिंग पास भी, और बस अब करते हैं फ्लाइट बोर्ड यहाँ से, और फिर पहुँचते हैं चेन्नई। उससे पहले अब थोड़ा सा घूम लेंगे ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, और कुछ करते हैं पहले नाश्ता, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है अब। दिल्ली एयरपोर्ट में आपको शॉपिंग करने के लिए और मील्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ ऊपर फूड कोर्ट भी है, और नीचे शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस।
तो ये खड़ी है हमारी सवारी। नहीं 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 ये नहीं, ये है हमारी आज की सवारी। मुझे लगा हूँ फिलहाल मैं लाइन में। तो अब हम निकल पड़े हैं दिल्ली से। क्या आपको पता है प्लेन रनवे पे कितनी स्पीड से दौड़ता है? मुझे भी नहीं पता, आइए आज चेक करते हैं। तीन सौ इक्कीस हाई स्पीड गया है अभी इस प्लेन का। और अब बस हम लेने वाले हैं टेक ऑफ, और अब ले लिया है बिल्कुल टेक ऑफ यहाँ से। ये आप देखिए मेन दिल्ली का हाईवे, कितनी छोटी छोटी दिख रही है कार्स। ये पूरा दिल्ली सिटी का व्यू आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो सर वो हो गया है अब गरम गरम मील भी, अब टाटा की हो चुकी है एयर इंडिया तो हमको दिया गया है ये गरम गरम मील। और बादलों के बीच में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बादलों के बीच में है हम अभी। मैं चेक कर रहा हूँ हमारे ट्रेन का टाइम भी, जिसमें मैंने अपनी बाइक्स को लोड किया है। तो हमारी बाइक भी बस पहुँचने ही वाली है चेन्नई थोड़ी देर में। तो बस अब हम कर रहे हैं फ्लाइट चेन्नई की तरफ, और बाइक्स हमारी पहुंच चुकी है चेन्नई। और हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी नई मेहमान बैगवती। ये भी बेचारी रोज मेरे साथ बैंक जा के परेशान हो गई थी, तो इस ट्रिप पे ये हमारे साथ चल रही है और मज़े ले रही है इस फ्लाइट की जर्नी के। कैसी हो बैगवती, खुश हो ना तुम इस बार? तो पहुंच गए हैं अब हम चेन्नई। ये आप देख रहे हैं ये पूरा है चेन्नई सिटी। बस अब हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं चेन्नई में। और जो ये एरियल व्यू दिखता है ना ऊपर से किसी भी सिटी का, ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और टच कर लिया है अब हमने चेन्नई, और बाहर का तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस। फाइनली अब हम लैंड हो गए हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चेन्नई के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और हमने कलेक्ट कर लिया है अपना बैगेज। और यहाँ से जाएंगे सीधा हम चेन्नई रेलवे स्टेशन पे, जहाँ बाइक हमारी ऑलरेडी पहुँच चुकी है और कर रही है हमारा इंतज़ार। वहाँ से लेंगे अपनी गाड़ी और फिर चलेंगे आगे के अपने सफर पे। बैठ चुके हैं अब हम ऑटो रिक्शा में, और अब जा रहे हैं चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर हमारी बाइक्स पहुँची है। वो रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब है 17-18 किलोमीटर की दूरी पे। कैब वाले से हमने बात की तो वो हमसे मांग रहे थे 600 से 700 रुपये, तो हमने की है ऑटो रिक्शा जो हमको छोड़ देगी केवल 200 रुपये में चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन। चेन्नई एयरपोर्ट की पार्किंग में केवल आपको कैब का ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा बाहर मेन रोड की तरफ आएंगे तो वहाँ आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगी, और वहीं नज़दीकी में मेट्रो स्टेशन भी है जहाँ से आप मेट्रो भी ले सकते हैं। और लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो हमें उतर पे ही पता चल गया था, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले को समझाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी। हमारी बाइक भी आराम से और बिना किसी दिक्कत के चेन्नई पहुँच के अनलोड हो चुकी थी। बिल्टी दिखाते ही हमें हमारी बाइक्स मिल गई। बाइक्स अब हमारी हो रही है यहाँ पर अनपैक, और एयरपोर्ट से आते वक्त मैंने रास्ते में ले लिया था बोतल में 1 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल डालते ही बस अब बिल्कुल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। तो गाड़ियाँ अब हमने ले ली है यहाँ से, और सामान बांध दिया है पूरा से, मेरे पेडल बैग और बाकी सारा लगेज हमने बांध दिया है इस पे। और बस स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, और पहले सबसे पहले ढूंढते हैं होटल और फिर चेक इन करके फ्रेशन अप होके निकलते हैं लोकल चेन्नई टूर पे।
तो स्वागत है आप सभी का भी चेन्नई में। हमने बुक की थी ये होटल फॉर यू बिजनेस क्लास। तो बस अब आप अनपैक करते हैं बाइक से सारा लगेज और चेक इन करते हैं इस होटल में। आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम करेंगे लोकल पूरा चेन्नई टूर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।